हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है प्रूव दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जिसको हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कि इसको जीरो के इक्वल किस तरह से दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे बाय ए बी एंड सी इन आर वन आर टू एंड आर थ्री। आर वन आर टू आर थ्री में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आर वन में ए से करेंगे, आर टू में बी से करेंगे और आर थ्री में किससे करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए बी प्लस सी ए बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी बी सी प्लस ए बी और सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी सी ए प्लस बी सी। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करने पर, सेकंड रो में बी से मल्टीप्लाई करने पर और थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। उसके बाद आपने देखा कि ए बी सी आर कॉमन फ्रॉम कॉलम वन एंड कॉलम टू, कॉलम वन और कॉलम टू से ए बी सी कॉमन आ रहा है। तो जब ए बी सी कॉमन आएगा तो ए बी सी एक तो कॉलम वन से कॉमन आ जाएगा और एक कॉलम कहां से कॉमन आएगा, एबीसी कॉलम सेकंड से, अपॉन एबीसी हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। यहां से एबीसी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बीसी, यहां से सीए और यहां से एबी, यहां से एबीसी कॉमन आ जाएगा तो वन वन वन, यहां एबी प्लस सीए बीसी प्लस एबी और सीए प्लस बीसी। ये हमारे पास बस जाता है। एबीसी से एबीसी कैंसिल होने के बाद हमारा बाहर क्या बचता है, एबीसी, ये बच जाता है। उसके बाद यदि मैं कॉलम फर्स्ट को और कॉलम थर्ड को ऐड कर लेता हूं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड को, यानी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम थर्ड ऐड करने के बाद में थर्ड कॉलम में रखना है, ठीक है। तो बीसी सी ए और ए बी वन वन वन, पहले दोनों कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं किया, कोई चेंजिंग नहीं किया। उसके बाद जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये कॉमन आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, कॉमन कहां से, फ्रॉम सी थ्री, कहां से कॉमन आ रहा है, सी थ्री से कॉमन आ रहा है, कहां से कॉमन आ रहा है, सी थ्री से। तो आपके पास ए बी सी पहले से ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये आपके पास कॉमन आ गया। अब आपके पास क्या बचता है, बी सी सी ए ए बी वन 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 और यहां से कॉमन आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, वन वन। और जब किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकली इक्वल हो जाती है, यानी यहां से हमारा सी टू किसके इक्वल आ गया, सी थ्री के, तो आपका डिटरमिनेंट यानी ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू जीरो, जब दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, यानी टोटल कंप्लीट क्या आ गया आपका, जीरो, जो हमारा क्या हो गया, प्रूफ, जो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि इस डिटरमिनेंट की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेना है और फिर लास्ट में क्या है कि आपके क्या है, दो कॉलम इक्वल हो जाएंगे और दो कॉलम इक्वल होने की वजह से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी।
और ये डिटरमिनेंट आपका जीरो हो जाएगा, तो इस टर्म के साथ में जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो पूरी टर्म क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था डिटरमिनेंट का, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।